नहीं, हमारी आज की कहानी है बाबा कचरा। बाबा कचरा जो है ये आज से कुछ 60-70 साल पहले एक बहुत मारूफ हमारे अफसाना निगार थे, उन्होंने एक अफसाने में इसको बयान किया था। ए हमीद उनका नाम था। एक शख्स फ्लिप डिपू जो हुआ करते थे, जैसे ये बाहर आप देख रहे हैं पार्क के कूड़ादान पड़े हैं, तो ये तो लोहे के हैं, तो वो क्या होता था कि गलियों में ज़रा मुनासिब जगह पर 5.5 फुट की एक चार दीवारी सी बनाई जाती थी, जिसमें अंदर जाने का रास्ता होता था और लोग ऊपर से भी कूड़ा फेंकते थे, अंदर जाके भी फेंक देते थे, और फिर बाहर कॉरपोरेशन की गाड़ी आती थी और वो उसको उठाकर ले जाती थी। वहाँ करीब ही कूड़े के पास एक शख्स टेक लगाकर उस दीवार से बैठा रहता और लोग उसके पास से सुबह गुजरते, दफ्तरों फैक्ट्रियों में जाते हुए, बच्चे स्कूल जाते हुए, इसी तरह वापसी पे लोग उसको देखते। वो बहुत पुरसरार शख्स था, किसी ने भी कभी उसको वहाँ से हिलते नहीं देखा था। हर कोई उसके बारे में बड़ी अजीब बातें करता कि शायद इसको कुछ जिन आते हैं जो खाना दे जाते हैं, या ये कोई जासूस है। वो शख्स वहाँ बैठ बैठ के इतना एक्सपर्ट हो गया था कि उसको खाने की कोई ना कोई चीज़ उस कूड़े में से मिल जाती थी, और वो कूड़ा देख के बता देता था कि ये किसी अमीर घर से आया है या गरीब घर से आया। तो एक दिन क्या होता है कि रात को बारिश होती है, बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं, उसके कानों में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो छोटा बच्चा जब रोता है तो थोड़ी देर के बाद उससे रहा नहीं जाता, तो वो उठ के देखता है कि कोई शख्स एक जिंदा बच्चे को कूड़े में फेंक गया। वो उसको उठाता है, अब सारी ज़िंदगी जिसने किया कुछ नहीं, वो बच्चे को चुप कैसे कराए। वो कूड़े में हाथ मारता है तो वहाँ से उसको एक आम की गुठली मिलती है। वो आम की गुठली उस बच्चे के मुंह को लगाता है, वो उसकी मिठास से बच्चा जो है ज़रा सहूलत महसूस करता है तो चुप कर जाता। अब रात गुजर गई है, सुबह लोग जो भी वहाँ गुजरता है वो महसूस करता है कि बाबा जी वहाँ पे नहीं है। हर आदमी को बड़ा अजीब लगता है कि वो कहाँ गया, मर गया, भाग गया। तो फिर कुछ दूर एक बिल्डिंग बन रही थी, तो कुछ लोगों ने देखा कि वहाँ एक दरख्त के नीचे एक कागज़ या गंदे से कपड़े पे एक बच्चा पड़ा हुआ है, और वहाँ बाबा कचरा जो है वो रेड़ी पकड़े मजदूरी कर रहा। ये कहने को तो एक कहानी है, ये हमें ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक देती है। वो सबक क्या है? वो सबक ये है कि इंसान के पास जब ज़िंदगी का मकसद आ जाए तो बेकार तरीन, गरीब तरीन, फजूल तरीन इंसान भी बड़ा कीमती बन जाता है। वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी काम नहीं किया था, जैसे ही उसको ज़िंदगी में एक मकसद मिला तो वो काम करने लगा। ये थी आज की कहानी।